मई 2024 में अगर आपका एफआर और एएफएम का पेपर है ना, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, बीच में से ऐसा 5-10 सेकंड स्किप मत करना। जिस दिन से मैंने ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी है ना, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल गाइडेंस दे पाऊं, बेस्ट गाइडेंस दे पाऊं जो कि मैंने फॉलो करी थी, ताकि आप जल्द से जल्द सीए बन के निकलो और अपने पेरेंट्स को खुद को प्राउड फील करवाओ। ठीक है सर, मैंने 2 दिन पहले अभी एक वीडियो डाला था, 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने एफआर एएफएम और ऑडिट के बारे में बेस्ट मटेरियल, बेस्ट गाइडेंस, प्लान, पूरा सब कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम पे कि सर आपने बोला एफआर एएफएम में खाली हमको मॉड्यूल करनी है और आखिरी के 2 अटेम्प्ट की, आखिरी के 3 अटेम्प्ट की आरटीपी करनी है, तो फिर क्या ये इनफ रहेगी क्या, मेरे को ऐसा लोगों ने क्वेश्चन पूछा। तो सर सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। आज आप लोगों को गाइड करने आया हूं, पेपर एनालिसिस देने आया हूं सीए फाइनल एफआर और एएफएम के बारे में। वीडियो को कर देना लाइक, दोस्तों के साथ कर देना शेयर और कमिटमेंट कर देना कमेंट में कि हम कितने स्कोर करेंगे। यस, आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+। ठीक है, इन सीए फाइनल इन मई 2024 70+ तो अपने को मिनिमम एम करते हुए चलना है। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मई 2018, नवंबर 2018, मई 2019, नवंबर 2019, ये जो 4 पेपर है ना सर, देखो मैं आपको मई 2018 से लेकर के नवंबर 2023 पूरा एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा। देखो मई 2018 में जो है ना रिवाइज स्कीम लागू हुई थी, जो कि अभी अभी एक्सपायर हो गई है, अब एक और रिवाइज स्कीम लागू हो रही है मई 2024 से। ठीक है, मैंने बोला मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, इन 4 अटेम्प्ट में इतने बढ़िया और इतने ईजी पेपर आए थे ना एफआर एएफएम के, कि जिसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा और खाली मॉड्यूल के भी क्वेश्चन निकल लिए ना उसने, तो आराम से वो 80+ के लिए टारगेट कर सकता था आउट ऑफ 120 मार्क्स का पेपर। आपको पता है कि पेपर आता है 120 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है सर, बहुत ही ज्यादा ईजी पेपर आए थे ये 4 अटेम्प्ट में, लेकिन फिर आपको पता चला कि क्या आ गया था, कोविड आ गया था, तो कोविड के कारण ना एक अटेम्प्ट हुआ ही नहीं था, अपने आईसीआई ने लिया ही नहीं था वो एक अटेम्प्ट। ठीक है, तो उसके बाद ना 2 अटेम्प्ट हुए थे, नवंबर 20 और जनवरी 21, इसमें पेपर टफ आए थे, ये स्पेशल अटेम्प्ट हुए थे सर कोविड के कारण, नवंबर 20 वाला और जनवरी 21 वाला, क्योंकि बीच में मई 2020 में कोई अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। तो उसके बाद जो पेपर आए ना, तो आईसीआई ने बदला लेने की कोशिश की, आईसीआई ने सोचा कि इन लोग को 6 महीने एक्स्ट्रा मिले ना, तो चलो हम पूरी कसर निकालते और इसमें हार्ड पेपर उन लोगों ने निकाले, मैं मानता हूं, लेकिन ठीक है, एक मिनट के लिए स्पेशल अटेम्प्ट को साइड में रखो। इसमें भी मॉड्यूल में से इतना तो पूछा गया था कि आप आराम से 50 नंबर लेके आ पाओ। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स पेपर निकाले थे, लेकिन उसमें भी मैं बोल रहा हूँ एफआर में उन लोगों ने मैनेजेबल पेपर निकाला था, आप आराम से 60-70 लेके आ सकते थे मॉड्यूल में से, उस टाइम पे भी उन लोगों ने ऐसे पेपर निकाला था। हाँ, एएफएम का उन लोगों ने उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रिकी पेपर निकाल दिया था, लेकिन ये है थे हमारे स्पेशल अटेम्प्ट। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी सर, बात समझना बड़े ध्यान से, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, ठीक है, उसका भी नीचे एक एक्सेप्शन है, एफआर नवंबर 23 का पेपर टफ आया था और एसएफएम मई 23 का पेपर टफ आया था। देखो सर, ये सारे के सारे अटेम्प्ट जितने भी मैं बोल रहा हूं ना सर, इन सब में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी होगी और खाली मॉड्यूल के भी क्वेश्चन अगर आपने कर लिए होंगे ना, तो आराम से आप 80+ स्कोर कर सकते थे आउट ऑफ 120 मार्क्स का पेपर जो कि अपना आता है। ठीक है सर, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, माना कि एफआर का नवंबर 23 का पेपर आया था टफ, एसएफएम का मई 23 का पेपर आया था टफ, लेकिन आईसीआई कभी भी एक ग्रुप में से एक ही पेपर टफ देता है जनरली, आपको पता हो ना, तो जिस टाइम पे एफआर में नवंबर 23 का पेपर टफ आया था ना, एसएफएम का पेपर इजी आया था, और जब एसएफएम का मई 23 का पेपर टफ आया था ना, तो एफआर का इजी आया था, समझ रहे हो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आईसीआई ना आपको कॉम्पनसेट करके देता है, एक पेपर इजी देता है तो दूसरा पेपर टफ देता है, एक पेपर टफ देता है तो दूसरा पेपर क्या देता है, वो इजी देता है, सिंपल सी बात समझो। और टफ पेपर भी वो ऐसा टफ नहीं देता है कि आपका टोटली आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ जाएगा, आप मॉड्यूल में से करके जाओगे तो भी आप आसानी से 50+ टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ योर 120 मार्क्स का पेपर। ठीक है सर, और कौन बोल रहा है आपको कि हर पेपर में 100 में से 100, आपको ग्रुप क्लियर करना है ना सर, हो जाएगा सर, अगर एक पेपर इजी आ रहा है, सॉरी अगर एक पेपर टफ आ रहा है, तो दूसरा पेपर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इजी पूछेगा आईसीआई, सारे के सारे पेपर टफ नहीं देगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और हमेशा ये गोल्डन अटेम्प्ट है सर, समझ लो, गोल्डन अटेम्प्ट इसको नहीं बोलूंगा, छोड़ो, लेकिन ये कंपैरेटिवली इजी अटेम्प्ट है जो मई 24 का अटेम्प्ट आने वाला है ना, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जब भी होता है ना, तो उसमें इजी पेपर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में आईसीआई के पास रिसोर्सेज बहुत क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब एक सिंपल सी बात को समझना सर, देखो मान लेते अपन ऐसा हुआ नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है होना, लेकिन तो भी अपन मान लेते कि सारे के सारे पेपर टफ आ गए, यानी एफआर एएफएम ऑडिट पूरा का पूरा ग्रुप उन लोगों ने हार्ड कर दिया, तो भी उसमें 50 नंबर आप आसानी से ला सकते हो अगर आपने मॉड्यूल भी करी तो। अगर सारा का सारा पेपर टफ आ गया तो भी, तो हो गए ना आपका 150 पास हो गए ना आप, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक पेपर टफ होगा तो दूसरा पेपर इजी होगा, मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे टफ लिए तो भी आप 50 50 50 आसानी से ला के क्या हो सकते हो सर, पास हो सकते हो। और आप एक और मेरे को बात बताना सर, सिंपल सी बात आप मेरे को बताना, एफआर में मई 2024 का भी पेपर आने वाला है, एएफएम में मई 24 का पेपर आने वाला है। ठीक है, एएफएम में मिलेगा आपको खाली और खाली 1.5 दिन। ठीक है, नवंबर 23 के भी जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे ना, मैंने उनको क्या गाइडेंस दी थी कि आप पहले तो मॉड्यूल खत्म कर लो, फिर एग्जाम के एक रात पहले मैंने उनको रात को 11:30-12 बजे बोला था कि अब अगर आपकी मॉड्यूल हो गई हो तो ही क्या कर लो, आरटीपी वगैरह देख लो सर,
समझ रहे हो, मैंने बोला क्वेश्चन बैंक आपके पॉसिबल कैसे होना, डेढ़ दिन में अगर आप कितना भी मतलब हाई लेवल के बंदे हो ना, आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन बैंक, आप मेरे को बताओ। डेढ़ दिन में अपने इतना मतलब टेंशन में रहते हैं अपन, कि अपन से मॉड्यूल के भी सम्स होना मुश्किल हो जाते हैं सर, एफ आर का टेंशन होता है उस टाइम पे, ठीक है, थोड़े थक गए होते अपन लोग, और उस टाइम क्या करना होता है भैया, डेढ़ दिन के अंदर सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप कितनी भी बड़ी क्वेश्चन बैंक कर लो आज, मैं बोल रहा हूँ आपको याद वही रहेगा जो आप आखिरी के डेढ़ दिन में पढ़ोगे। तो मतलब क्या इतना सारा पढ़ने का जब डेढ़ दिन में अपने को टाइम नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ एम उस तरह का करो, पढ़ाई वही करो जो कि आपको आखिरी के डेढ़ दिन में याद रहे, सिंपल सी बात है। और एफ आर में कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं ना सर, बिगेस्ट गलती, 10-10 दिन दे बैठते हैं एफ आर को। मैंने बोला भाई ऐसा कतई नहीं करना होता है, पिछली बार भी मैंने आपको बोला था 4 डेज मैक्सिमम दो आप एफ आर को, अब एफ आर में आप 4 दिन ले रहे हो ना मैक्सिमम, तो भी मैं बोल रहा हूँ आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन चलो वो हो जाएंगे एक बार को, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी होना टफ है भाई 4 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आप लोग मैराथन वगैरह भी देखते हो, ठीक है। तो चलो मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर हो गए ना, उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा कितना, कि चलो एक दो आरटी भी देख ली उतना ही टाइम मिलेगा। इतने सारे आप क्वेश्चन बैंक के पेपर भी करोगे, वो क्वेश्चन बैंक के पेपर में कौन से होंगे, स्पेशल अटेम्प्ट जो आया था ना कोविड का, वो वाले क्वेश्चन भी उसमें होंगे, अब वो देख के आप टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। अब हो सकता है कि ऐसे वापस से डिफिकल्ट क्वेश्चन ना पूछे, और ये वाले अटेम्प्ट भी मैंने बोला था एफ पार तो ईजी था, एएफएम भी कैसा था, आराम से आप पास तो हो सकते थे, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और ऐसा जब होता है ना तो ग्रेस देता है आईसीआई, सिंपल सी बात है मेरी, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो। 4 दिन में भी आप लोग क्या कर पाओगे, मॉड्यूल प्लस मैक्सिमम आप 2 आरटीपी ही कर पाओगे। तो अभी क्यों इतना माथाफोड़ी कर रहे हो, मेरे को इतने सारे टेलीग्राम पे आपने मैसेज भर दिए ना कि सर कैसे हो पाएगा, हम लोग क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे, खाली मॉड्यूल से पास नहीं हो सकते, ये पेपर टफ आया था अपना एफ आर का नवंबर 23 में। मैं कहा भाई सामने एसएफएम भी तो इजी आया था ना, आपको ग्रुप क्लियर करने से मतलब है ना, कौन बोल रहा है आपको कि हर पेपर में 100-100 नंबर लेके आओ मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सीए कोर्स खत्म करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स नहीं है आपका कि भाई आप एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के पोथे लेके बैठ रहे हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स होता तो घुस जाओ वो सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। सीए कोर्स में अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सारे सब्जेक्ट की अपने को नॉलेज होनी चाहिए, एक एक सब्जेक्ट के अंदर घुस गए ना तो हो गया अपना सीए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल इन मई 2024, ठीक है, इन ईच एंड एवरी पेपर सर, सब में 70+ का अपने को एम तो करना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, कीप फाइटिंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए स्टूडेंट्स।